तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी दोस्ती को ज्यादा अहमियत दे रही हो? इतनी कि तुम्हें अम्मी की नाराजगी की भी परवाह नहीं है? अम्मी ने मेरी शिकायत की है आपसे? बच्चे, शिकायत नहीं की है, लेकिन तुम्हें तो खुद एहसास होना चाहिए ना। भाई, अब आप भी मुझ पे अम्मी की तरह गुस्सा करने लगे। ईशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आज अम्मी ने मेरी बहुत क्लास ली है और उन्होंने मुझे वार्न किया है कि आइंदा मैं कभी भी तुम्हारी वकालत ना करूं। ठीक है, अगर तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो तो मैं आइंदा कभी भी तुम्हारी साइड नहीं लूंगा। ईशा, मेरी बात गौर से सुनो। अम्मी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है और नेक्स्ट वीक फुप्पो लोग रस्म के लिए हमारे घर आएंगे। जी, देखो अम्मी को तंग मत करना। फिर मैं भी आ जाऊंगा, धूमधाम से अपनी बहन को रुखसत करूंगा। अच्छा, मैं फोन लगता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। आप कहाँ है? आपका नंबर भी बंद जा रहा है। या अल्लाह, मैं कैसे इस मुश्किल का सामना करूंगी?